आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के छुपे हुए कारकुन सामने आने लगे। कराची में शाराए पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के अतराफ की इमारतों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने लगे हैं। क्या माजरा है, क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल खान से। जी फैसल खान, इस हवाले से बताइए मजीद। इस हवाले से फैसल खान से भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के छुपे हुए कारकुन सामने आने लगे हैं। कराची में शाराए पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के अतराफ की इमारतों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान, बताइएगा क्या माजरा है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब की जो इमारतें हैं, अब हम उस पर देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्लैट की बालकनी है जहाँ पर ये तहरीक इंसाफ के झंडे इलाका मकीन यहाँ पर लहराना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि कराची में एक खौफ की फिजा है जिसकी वजह से यहाँ पर शहरी खुल के बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के झंडे जलसे के करीब जो इमारतें हैं उन पर लहराना शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शाम में कितनी आवाम आती है और ये जलसा कितना कामयाब होता है। जी ठीक है, तहरीक इंसाफ के कारकुन सामने आने लगे हैं। कराची में शाराए पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के अतराफ की इमारतों पर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने लगे हैं।